मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले पीसीसी कार्यालय के बाहर एक बार फिर पोस्टर लगाकर कांग्रेस ने पोस्टर वार को और तेज कर दिया है। भोपाल के कांग्रेस कार्यालय के बाहर कांग्रेस ने फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा है। दरअसल लगाए गए पोस्टर में मुख्यमंत्री द्वारा किसानों को फसल बीमा राशि के रूप में 23 रुपये, 11 रुपये, 54 रुपये देने की बात कहकर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। इसी पोस्टर वार पर NSUI प्रदेश सह सचिव गौरव सिंह चौहान ने कहा कि जब से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सत्ता में आए हैं तब से वो लगातार चिल्ला रहे थे कि हम किसानों को फसल बीमा देंगे, लेकिन जब मुख्यमंत्री जी ने किसानों को फसल बीमा की इतनी ज़्यादा राशि दे दी है कि किसान प्रफुल्लित होकर समझ नहीं पा रहा कि वो राशि को कहाँ खर्च करें। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। इसके पीछे ये मकसद है कि जो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी काफ़ी दिनों से जब से सत्ता में आए तब से वो चिल्ला रहे थे कि हम किसानों को बीमा राशि अगर फसल बर्बाद होगी तो देंगे, तो उनने जो बीमा राशि दी है वो इतनी ज़्यादा दी है कि किसान उससे इतना प्रफुल्लित हो रखा है कि वो समझ नहीं पा रहा कि उन पैसों को खर्च क्या करें। हैं वो राशि किस प्रकार है, 11 रुपये, 14 रुपये, 3 रुपये, 3 रुपये तक दिए। आप बताइए, पार्ले जी का बिस्किट तक नहीं आता 3 रुपये में। जो फसल बीमा की राशि दी गई है, क्या इससे किसान की 6 महीने की क्षतिपूर्ति होगी? माननीय मुख्यमंत्री जी केवल जो हमारे अन्नदाता हैं उनसे मजाक कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। इसके लिए कोई आंदोलन छिड़ेगी? अभी मुख्यमंत्री जी से हम ये कहना चाहेंगे कि हम अभी केवल पोस्टर पे आए हैं, अभी हम केवल पोस्टर पे आए हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो हम रोड पे भी आएंगे, क्योंकि किसान हमारा अन्नदाता है जिसकी वजह से हम सबका जीवन यापन चलता है। हम उसका अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो हम सबको परेशानी होगी। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी सुधर जाइए और किसानों के हित के लिए ध्यान दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।